भाजपा को ना तो परवाह है और ना ये समझ है कि क्या किया जाए, इसीलिए बीकानेर संभाग हमेशा से उपेक्षित रहा है। उन्होंने चुटकी ली, अच्छा होता कि भाजपाई हमसे ही पूछ लेते कि किसानों के लिए क्या करना है। कांग्रेस में किसी भी खींचतान से इनकार करते हुए कहा कि राहुल गांधी का एक ही संदेश है, मंत्री या संतरी कौन हो इसकी चिंता हमें नहीं है। कैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने इसके लिए एकजुट होकर सभी काम कर रहे हैं। बाद में सचिन पायलट पूर्व मेयर भवानी शंकर शर्मा के निधन पर शोक जताने उनके घर गए और उसके बाद प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी के घर पहुँचे, यहाँ डूडी के चाचा के निधन पर संवेदना जताई। सीमावर्ती जिले जैसलमेर में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए पहुंचे। स्थानीय भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर उन्होंने पार्टी और संगठन को लेकर लिया फीडबैक। भाजपा के विशिष्ट प्रवास कार्यक्रम के तहत आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जिले के भाजपा जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मेघवाल ने बताया कि कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जैसलमेर व पोखरण विधानसभा की रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा। आगामी चुनावों को लेकर मेघवाल ने कहा कि भाजपा मजबूती के साथ राज्य व केंद्र में वापस सरकार बनाएगी। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अब देश में सिमटती जा रही है, जिसका प्रमाण है कि केवल 4 राज्यों में ही अब कांग्रेस की सरकारें हैं। फीडबैक बैठकों के बहाने अब भाजपा पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गई है और कहीं न कहीं प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगियों को दूर करने में लग गई है। गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया हैं आज से 3 दिन के कोटा दौरे पर। कोटा में भाजपा की नब्ज टटोल रहे हैं कटारिया। अगले 3 दिन में 6 विधानसभा की जमीनी हकीकत टटोलने के लिए गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया कोटा पहुंचे हैं। कोटा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया पीपलदा विधानसभा के लिए इटावा पहुंचे और इटावा में बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और अपने भाषण के जरिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश की। इस दौरान गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कार्यकर्ताओं को कहा कि सरकार के कामों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाए। कोटा में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने मीडिया से बात करते हुए गहलोत के बयान पर भी पलटवार किया। कल कटारिया कोटा में कोटा लाड़पुरा, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ में बैठक करने वाले हैं। इसके अगले दिन गृह मंत्री सांगौद और रामगंज मंडी विधानसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मिलकर के जमीनी हकीकत को तलाशेंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ में सरकारी कॉलेज अगले सत्र से अपने खुद के भवन में संचालित होगा। आज इस नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। नवलगढ़ में हुए शिलान्यास कार्यक्रम में बतौर अतिथि अजा आयोग अध्यक्ष सुंदरलाल, सांसद संतोष शैलावत, विधायक शुभकर्ण चौधरी तथा डॉक्टर राजकुमार शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर अतिथियों ने भूमि पूजन में हिस्सा लिया और फिर शिलान्यास किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद संतोष शैलावत ने कहा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस भवन को अगले साल तक पूरा करने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि अगला शैक्षणिक सत्र नए भवन में चले। उन्होंने इस मौके पर संकाय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए भी आश्वासन दिया। सैनिक स्कूल में इसी माह यानी मार्च के अंत में ही 80 बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश कर लेंगे, वहीं अप्रैल से इसकी कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस सैनिक स्कूल का जिले के लोगों को काफी दिनों से इंतजार था। बॉल टेम्परिंग में दोषी पाए जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी से हाथ धोने वाले स्टीव स्मिथ को अब राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। उनके स्थान पर अब युवा बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स टीम की कमान संभालेंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3रे टेस्ट में बॉल टेम्परिंग किए जाने के कारण ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को उनकी कप्तानी से हटा दिया गया था। इसके बाद स्टीव स्मिथ काफी विवाद में आ गए थे। स्टीव स्मिथ आईपीएल की राजस्थान रॉयल्स टीम के भी कप्तान बनाए गए थे, लेकिन बॉल टेम्परिंग के मामले के बाद राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन पर भी काफी दबाव था कि वे स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाए, और करीब 24 घंटे के लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार राजस्थान रॉयल्स को स्टीव स्मिथ को कप्तानी से हटाना पड़ा। अब भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे राजस्थान रॉयल्स टीम के नए कप्तान होंगे। 12 करोड़ रुपए में रिटेन किए गए स्टीव स्मिथ को भले ही कप्तानी से हटा दिया गया हो, लेकिन वे टीम में अभी भी बरकरार हैं।
ऐसे में देखना है कि राजस्थान रॉयल्स टीम इस दागी खिलाड़ी को मैदान पर उतारेगी या उनकी टीम से विदाई कर देगी। जयपुर में विवाह स्थलों पर ड्यूटी टैक्स और नवीनीकरण शुल्क बढ़ाने को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज विवाह समिति के पदाधिकारी प्रेस वार्ता से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमारे ऊपर ड्यूटी टैक्स और नवीनीकरण शुल्क 3 गुना बढ़ा दिया है, इससे हमारे ऊपर अतिरिक्त भार पड़ गया है। इस दौरान समिति के महामंत्री भवानी शंकर माली ने बताया कि हाल ही में 14 और 15 मार्च को जयपुर नगर निगम की ओर से शिविर लगाकर विवाह स्थल संचालकों से ड्यूटी टैक्स और लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क की वसूली की जा रही थी, तो इसका समस्त विवाह स्थल संचालकों ने विरोध किया और किसी ने भी कर और शुल्क जमा नहीं करवाया। इस दौरान अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने बताया कि शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में हमने महापौर अशोक लाहोटी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित अन्य मंत्रियों को भी ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान विवाह स्थल संचालकों ने सरकार को 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर बढ़ा हुआ शुल्क वापिस नहीं लिया गया तो हम 10 अप्रैल से समस्त जो मैरिज गार्डन है उनको बंद कर देंगे और समस्त बुकिंगों को निरस्त कर देंगे और इसकी चाबियां सरकार को सौंप दी जाएगी। नोखा के साटिका गांव में अतिक्रमण हटाने का मामला हाईकोर्ट के निर्देश पर ओरण भूमि से हटाया गया था। अतिक्रमण 75 कच्चे पक्के मकानों को तोड़कर हटाया गया था। अतिक्रमण विरोध में ग्रामीणों ने आज नोखा उपखंड कार्यालय के आगे लगाया धरना। अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में आज नोखा उपखंड कार्यालय के समक्ष साटिका गांव के ग्रामीणों ने धरना लगा दिया। ग्रामीणों ने पुनर्वास पट्टे जारी करने, मुआवजा देने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगाया और विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना था कि वे काफी लंबे समय से वहां पर निवास कर रहे थे, अब उनके आशियाने तोड़ दिए गए जिसके चलते वे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ग्रामीणों ने मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की चेतावनी दी। शहर के सब्जी मंडी के पीछे बेरवा परिवार में आज दर्दनाक हादसा देखने को मिला। राजू बेरवा का परिवार दर्द के हादसे में देखा गया। 3 मासूम बच्चों का जहर देकर हत्या कर दी गई और पत्नी का भी गला काट दिया गया और राजू ने स्वयं ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया गया। राजू के बताया जाता है कि राजू आर्थिक तंगी से परेशान था और काफी कर्ज हो रहा था। अब राजू का भी जिला अस्पताल में काफी गंभीर हालत में उपचार चल रहा है और इस मामले में एडिशनल SP दशरथ सिंह, डिप्टी सहित पुलिस अधिकारी जांच में जुटे हैं। चारों शवों का कल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और राजू का गंभीर हालत में उपचार जारी है। जालौन के सांचौर में पेट्रोल पंप पर चोरी की बड़ी वारदात, CCTV में चोरी की वारदात हुई कैद। 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। जालौर जिले के सांचौर उपखंड मुख्यालय के प्रतापपुरा रोड पर स्थित SR पेट्रोल पंप पर 3 अज्ञात चोरों ने रात्रि में पेट्रोल पंप के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। CCTV में चोरी की वारदात कैद हो गई है। 3 अज्ञात चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर चोरी की वारदात को अंजाम देकर ताले तोड़कर नकद राशि लेकर फरार हो गए। सूचना पर सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर मामले में FIR दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। चोरी की वारदात CCTV में कैद होने के बाद सांचौर पुलिस को मामले की जांच में आरोपियों की शिनाख्त करने में CCTV के फुटेज काफी अहम रोल अदा करेंगे। बारा नगर परिषद द्वारा शौचालय बनाने में आया 25 करोड़ का घोटाला सामने। सहायक अभियंता सुधाकर व्यास की जांच में उजागर हुआ घोटाला। बारा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद क्षेत्र में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कार्यों की प्रारंभिक जांच के दौरान गड़बड़ियां कर 25 करोड़ का घटिया काम और फर्जी भुगतान उठाने की आशंका नगर परिषद के सहायक अभियंता सुधाकर व्यास ने जताई है। सहायक अभियंता का कहना है कि घटिया निर्माण के साथ कई लाभार्थियों को शौचालय बनाने के नाम 3-3 और 4-4 बार भुगतान उठाकर सरकार को आर्थिक नुकसान कर 1.25 करोड़ का घोटाला किया है और घोटाले में ठेकेदारों के साथ नगर परिषद के उच्च अधिकारी और अभियंता शामिल है, जिसकी रिपोर्ट आयुक्त को सौंप दी है। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त ने मीडिया के सवालों पर मौन साधते नजर आए और किसी तरह के सवालों को जवाब देने से इनकार कर दिया। अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन घोटालेबाजों के खिलाफ कब और क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। जोहड़ का पानी पीने को मजबूर हुए गांव प्रतापपुरा के ग्रामीण। पिछले 6 सालों से शुद्ध पेयजल को तरस रहे हैं ग्रामीण। जलदाय बाकी डिग्गियों में साफ पानी कम, हरे रंग की काई ज्यादा आती है नजर। हम बात कर रहे हैं गांव मन्नी वाली की। यहां के उप स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के गांवों के हजारों लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं।
लेकिन उप स्वास्थ्य केंद्र में मात्र एक ANM होने के कारण लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। भाजपा देहात मंडल के उपाध्यक्ष पवन पारिक ने बताया कि इस समस्या को लेकर जिला कलेक्टर से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को इलाज के लिए बाहर के शहरों की ओर देखना पड़ता है। गांव के सरपंच गुरसेव सिंह बराड़ ने कहा कि अब उन्हें मुख्यमंत्री के श्री गंगानगर जिले के दौरे से उम्मीद बंधी है कि अब मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान देंगी और ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नसीब हो पाएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अप्रैल माह में प्रदेश के आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले से अपनी यात्रा का आगाज कर सकती हैं। मुख्यमंत्री की संभावित यात्रा को लेकर जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारा ने अधिकारियों की बैठक लेते हुए यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के चैंबर में आयोजित बैठक में मंत्री सुशील कटारा ने जिले में सीएम यात्रा के संभावित रूट को तय किया। मंत्री सुशील कटारा ने बताया कि सीएम राजे की 15 अप्रैल से जिले में यात्रा संभावित है। मुख्यमंत्री के यात्रा कार्यक्रम के तहत सीएम राजे की यात्रा आसपुर विधानसभा क्षेत्र के आशापुरा व विजय माता मंदिर से पूजा अर्चना के साथ शुरू होगी और 3 दिन तक सभी विधानसभा क्षेत्र में सीएम राजे के जाने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान सीएम राजे जगह जगह जहां जनता से संपर्क करेंगे, वहीं आसपुर में 365 करोड़ की सोमकमला अमाबान से डूंगरपुर शहर व 151 गांवों के लिए पेयजल योजना के शिलान्यास के साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करते हुए जनता को समर्पित करेंगी। इधर बैठक में मंत्री सुशील कटारा ने अधिकारियों को सीएम राजे की यात्रा की तैयारियों में जुट जाने व यात्रा को सफल बनाने के लिए भी निर्देशित किया। प्रधानमंत्री की 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रतापगढ़ को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। इस कार्यक्रम में प्रतापगढ़ ने प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर ने अधिकारियों के बैठक लेकर 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की। कार्यक्रम के तहत आवंटित लक्ष्यों के क्रियान्वयन में प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया और नतीजा यह हुआ कि प्रतापगढ़ प्रदेश भर में अव्वल स्थान पर पहुंचा। प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने विभिन्न योजनाओं के संचालन में लगभग 94% की उपलब्धि अर्जित की है। इसमें जिला कलेक्टर नेहा गिरी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ADM हेमेंद्र नागर ने कर्मचारियों का आभार भी जताया है। दरअसल 20 सूत्री कार्यक्रम में कई योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित की जाती है ताकि आम जनता को राहत प्रदान की जा सके। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके के गोवटी गांव में बीती रात चोरों ने जैन मंदिर को बनाया निशाना, चांदी की छत्र और मूर्तियां लेकर हुए फरार। जानकारी के अनुसार चोरों ने जैन मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर में जैन मंदिर की 2 बेशकीमती 500 साल पुरानी मूर्तियों के साथ चोर चांदी का छत्र व अन्य सामान भी चोरी करके ले गए। चोरी की सूचना पुलिस को देने के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी कई बार गांव में चोरी की वारदात हो चुकी है तो इस मंदिर में पहले भी चोरी का प्रयास हुआ था। ग्रामीणों ने चोरी की बढ़ती घटनाओं के बाद गांव में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। झालावाड़ शहर में वर्ष में 2 बार रावण दहन करने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसी के तहत चैत्र नवरात्र के दशमी के दिन आज राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में अहंकार के प्रतीक रावण का दहन किया गया। झालावाड़ में चल रहे चैत्र नवरात्रि के दशमी के दिन आज झालावाड़ शहर में भव्य शोभा यात्रा और अखाड़ा निकालने के बाद राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में अहंकार के प्रतीक करीब 35 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन महावीर सेवा दल द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा रहे। रावण दहन से पूर्व करीब 35 फुट ऊंचे रावण के पुतले ने तलवार और सिर घुमाकर नागरिकों और बच्चों को अचंभित कर दिया। इस दौरान पूरा मैदान झालावाड़ शहर वासियों से खचाखच भरा दिखाई दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर का 2 दिवसीय निरीक्षण आज शुरू हुआ, जिसमें ADG ML लाठर ने शुरुआती दौर में जब परेड से लेकर के किस तरीके से VIP ड्यूटी होती है और पुलिस का मूवमेंट होता है उसको लेकर के पड़ताल की है। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक मोहनलाल लाठर ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर का आज वार्षिक निरीक्षण शुरू किया।
इस दौरान एडीजी लाठर ने सेरेमोनियल परेड की सलामी भी ली, तो वहीं स्क्वाड ड्रिल, क्यूआरटी, सीन ऑफ क्राइम, नाकाबंदी तथा राइट कंट्रोल ड्रिल के डेमो का निरीक्षण भी किया। लाठर ने पुलिस कमिश्नर के जवानों की परेड देखकर काफी सराहना की, तो वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ कदमताल करवाई तो बड़ी मुश्किल से ही कुछ अधिकारी कदमताल कर पाए। इस पर पुलिस अधिकारियों की साहसिक फूर्ति भी नजर आई। उनकी बड़ी तौंद को देखकर भी एडीजी लाठर ने टिप्पणी की और कहा, इसे कम करिए, ये आपके खुद के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। दो दिनों तक चलने वाले इस निरीक्षण को लेकर के जिस तरीके से पहले दिन एडीजी लाठर काफी खुश और प्रभावित नजर आए, तो वहीं दूसरे दिन को लेकर के पुलिस कमिश्नर के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। दूसरे दिन आकलन का वक्त होगा, तब पता लगेगा कि आखिर पुलिस कैसा काम करती है और किस तरीके बदलाव की जरूरत है। राजस्थान दिवस 2018 को लेकर दौसा जिला प्रशासन की ओर से लगातार किए जा रहे आयोजन। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में दौसा के नेहरू गार्डन से कलेक्ट्रेट तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का अंतर्राष्ट्रीय धावक गोपाल सेन ने नेतृत्व किया और कलेक्टर नरेश शर्मा व एसपी चुनाराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर नरेश शर्मा ने कहा, दौड़ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया, सब लोग मिलजुल कर आगे बढ़े और दौसा के विकास में सहयोग करें। वहीं एसपी चुनाराम जाट ने कहा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, इसलिए युवाओं के लिए खेल कूद में भाग लेना जरूरी है। स्वस्थ दिमाग होगा तो युवा अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय धावक गोल्ड मेडलिस्ट गोपाल सैनी ने कहा, आज का युवा पढ़ाई में तो काफी आगे है लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है। गोपाल सैनी ने कहा, युवा कहीं ना कहीं दुर्व्यसनों और मोबाइल की वजह से भटक रहा है जो शारीरिक विकास के लिए ठीक नहीं है। गोपाल सैनी ने कहा, युवाओं को शारीरिक विकास के लिए खेल कूद में भाग लेना नितांत आवश्यक है, जिससे मानसिक के साथ साथ शरीर का भी विकास कर सके। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर आयोजित मशाल दौड़ मजाक बनकर रह गई। माथुर स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ में जन भागीदारी तो पूरी तरह नगण्य ही थी, अधिकारी कर्मचारी भी दौड़ में शामिल नहीं हुए। हालात यह रहे कि माथुर स्टेडियम में संचालित कबड्डी एकेडमी के एक दर्जन खिलाड़ियों को शामिल करके दौड़ की औपचारिकता पूरी कराई गई। दौड़ को राजस्थान वेयर हाउस चेयरमैन जनार्दन सिंह गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर राज नारायण शर्मा भी मौजूद रहे। कबड्डी एकेडमी के खिलाड़ी माथुर स्टेडियम से मशाल को लेकर कलेक्ट्रेट तक दौड़े। इस दौरान मार्गों पर भी कोई सहयोग या समर्थन की स्थिति नजर नहीं आई। दौड़ पर जन भागीदारी नगण्यता को लेकर लोगों का कहना है कि प्रशासन आयोजनों को लेकर पूरी तरह उदासीन है और प्रचार प्रसार भी नहीं किया जा रहा, इसी के चलते जन भागीदारी नगण्य है। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि दौड़ की शुरुआत की गई है, रास्ते में लोग इससे जुड़ेंगे, जो कि हकीकत में नजर नहीं आई। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर राजस्थान में मशाल दौड़ का हुआ आयोजन। जिला प्रमुख हरलाल ठार ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में इंद्रमणि पार्क से इस दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर ललित गुप्ता, उपखंड अधिकारी श्वेता कोस्टर, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला भी इंद्रमणि पार्क पहुंचे और इन्होंने भी इस दौड़ में भाग लिया। जिला खेल अधिकारी ईश्वर सिंह लांबा के नेतृत्व में जिला स्टेडियम में रहने वाले सभी खिलाड़ी भी इस दौड़ में पहुंचे। इस दौड़ को देखने के लिए काफी युवा भी पहुंचे, युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में हुई दौड़ में दो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। जिसने बढ़ाया उपज का मान, प्रोसेसिंग से बनाया मूल्यवान, एक महिला की दस्तक, खेत से बाजार तक, कृषि दर्पण सुबह 6:30 पर।